नमस्कार, अभिनम है श्री गुरु संत रविदास विश्राम धाम मंदिर जेवनगर स्थित, और हमारे साथ हैं श्री गोपाल किशन जी जो मंदिर के अध्यक्ष हैं और समिति के बाकी पदाधिकारी हैं। इसके बारे में अभिनम, फरवरी माह में संत रविदास जी की जयंती आने वाली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और इस मंदिर में जो ये भव्य मंदिर अभी है, इस मंदिर की विशेषता और उसका इतिहास सब कुछ हमें परिचित कराएंगे गोपाल जी। तो सबसे पहले जो संत रविदास जी है उनके जीवन और उनके उपदेशों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, संत गुरु रविदास जी महाराज, उनका एक ही उद्देश्य था कि इस समाज से जात पात को मिटाना। उनका सबसे पहला उद्देश्य यही था कि जो जाति प्रथा है उस पर विराम लगे, ये ख़त्म हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है जाति प्रथा से देश जो है पीछे जाता है। उनका सबसे पहला यही था उपदेश। और उन्होंने कहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे परसद, कि यहाँ जो है सभी को खाने पीने के लिए, रहने सहने के लिए सुविधाएं मिले, सबको न्याय और अधिकार मिले। उनका यही उद्देश्य था संत गुरु रविदास महाराज जी का। संत रविदास जी ने, जैसा आपने कहा, उन्होंने सभी को ईश्वर का संतान माना जी, यानी जो समरसता का संदेश दिया वो समाज के हर वर्ग तक, युवा पीढ़ी तक विशेष करके पहुँचे, उसके लिए विशेष रूप से क्या किया जाना चाहिए? देखिए, जैसे उनकी जो है उपदेशों में सारी चीज़ें छुपी हुई हैं और हमें उन चीज़ों को जो है फॉलो करना चाहिए, जिससे जो है समरसता, समानता, मैं तो कहूँगा समानता जो है आनी चाहिए। उन्होंने जो है छोट बड़ो सम बसे, यानी छोटे बड़े सभी को अधिकार मिले। अब जो हम इस मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं, इस मंदिर का थोड़ा विस्तार में इतिहास परिचय इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो है मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ जो है बनारस से चल के संत गुरु रविदास जी महाराज, उन्होंने यहाँ विश्राम किया था, इसलिए आज इसका नाम जो है गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है। और इससे आगे जो है उन्होंने यात्रा की थी जालीबाई के बुलावे पे, चित्तौड़ तक की उन्होंने यात्रा की थी, और उसके बाद उन्होंने स्टे किया था जी तुगलकाबाद, उसका भी नाम गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर है। ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ जो है उनके सागिर्द चेले बाबा मस्तराम जी, उनकी एक समाधि भी है। और इस मंदिर का थोड़ा सा और इतिहास अगर डालें, जो भव्य मंदिर का बन करके तैयार हुआ, कौन कौन सी जो बड़े लोग हैं यहाँ पर, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, जी इसके जी बारे में भी थोड़ा सा। देखिए, इस बारे में हमारे सेक्रेटरी हैं विजेंद्र कुमार जी, ये आपको पूरी विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र कुमार, मैं महासचिव श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर में। अब जैसे कि बताते हैं कि सिकंदर लोधी का शासन हुआ करता था दिल्ली के अंदर, उस वक्त जब गुरु रविदास महाराज जी, उन्हें भक्ति युग का प्रवर्तक माना जाता, स्टार्टिंग उनसे होती है भक्ति युग की, जो नामदान का जो स्टार्ट होता है भक्ति युग का गुरु रविदास जी से। उन पर प्रेशर आया था कि उन्हें दबाव आया था कि मुसलमान बन जाइए, आपको ये देंगे वो देंगे, लेकिन परंतु उन्होंने अपने जो अब उसको अपने धर्म को नहीं छोड़ा, और अपने जो हमारी कुरीतियाँ हैं समाज के अंदर जो फैली हुई थी उस समय, जात पात जो था उसके खिलाफ वो खड़े हुए, समाज को जागृत किया। और साथ ही साथ उन्होंने एक बेगमपुरा का एक संदेश दिया, बेगमपुरा जहाँ पे कोई गम ना हो, जहाँ पे कोई टैक्स ना हो, इस तरीके से सब लोग सुख रहे, सभी को समान शिक्षा मिले, तो एक इस तरह का कंसेप्ट उन्होंने उस समय दिया कि सबको बराबर शिक्षा मिलना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए गरीबों पे, तो उस बेगमपुरा का फॉर्मूला दिया। और साथ के साथ लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उन्हीं की इन्हीं बातों से प्रभावित होकर महारानी मीराबाई उनके शिष्य बनी, रानी झालीबाई राजस्थान के अंदर, जो वहाँ पे उनको कुलगुरु का उपाधि प्राप्त था, जो राजस्थान में आते जाते रहते थे। साथ ही साथ उस समय के जो भी संत होते थे, अपना सदना कह सकते हैं, उस वक्त के जो बड़े बड़े संत होते थे, कबीर जी, सदना जी, तो वो उनके शिष्य, उनसे उनकी उस क्या कहते हैं उपदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने भी उस राह को चुनी। ठीक है, उसके बाद करते करते जब सिकंदर लोधी के पास ये बात पहुंचती है कि ऐसे ऐसे एक
संत जो है इस तरीके से इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उन्हें दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद में उनको कैद किया गया, 3 दिन उनको कैद किया गया। जब उन्होंने देखा कि ये सचमुच में संत हैं तो उनसे उनके आगे उनको छोड़ दिया, उनको उनके उनसे दीक्षा ली। उसके बाद वहाँ पर उनको 12 बीघा जो ज़मीन दिया गया उस समय आज से 600 साल पहले, जहाँ पे उस चमार वाले झोड़ के नाम से जाना जाता है, वो जगह उस वक्त उनको सिकंदर लोधी ने दीक्षा स्वरूप उनको दी। वहाँ से राजस्थान जाते हुए तो इस स्थान पर उन्होंने विश्राम किया, यहाँ से तो वो चित्तौड़ चले गए, तो उनके बाद जो यहाँ पर जो उनके शिष्य होते थे बाबा मस्तराम वो यहीं पे स्टे कर गए, ठीक है। उसके बाद उनके चलते चलते उनके उसके बाद बाबा बिरकादास, ऐसे आखिर में जो गद्दी उनको मिली बाबा तुलादास जी 1947 से पहले जो थे। तो जब ये क्वार्टर बनने लगे तो उस वक्त अंग्रेज़ों के टाइम पे तो क्वार्टर मंदिर को शिफ्ट करने की बात चल रही थी कि इसको हटाया जाए, क्योंकि वो है। तो जब बाबा साहब अम्बेडकर होते थे तो उन लोग उन्होंने कह के जब यहाँ पर आए, क्योंकि बाबा साहब यहाँ पर आते रहते थे, ठीक है, क्योंकि झांकी निकलती थी अपने खालसा कॉलेज जहाँ पर है उस वक्त मैदान हुआ करता था, तो यहाँ बैलगाड़ियों पर झांकियाँ निकलती थी। जब उन तक ये बात समाज ने बहुत पहुँचाई कि मंदिर को तोड़ने की बात की जा रही है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों से बात करी, फिर जो नक्शा जो पास हुआ था उसके अंदर इस जगह को छोड़कर 7वें क्वार्टर बना दिए गए। तो आज जब उस नक्शे में आप देखेंगे जो पुराना 1947 का नक्शा है सरकारी, उसके अंदर इस जगह को दर्शाया गया है ऐतिहासिक महत्व देखते हुए। अब उसके बाद जब जब चलते रहे कि यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, 600 साल इसका इतिहास है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो 1960 के अंदर मंदिर का एक ट्रस्ट बना देगा जिसे नाम दिया श्री गुरु विश्रामधाम टेम्पल ट्रस्ट सोसाइटी 1960 के अंदर अक्टूबर के अंदर। तो उस वक्त जो प्रधान बने उन लोगों ने फिर यहाँ पे काम करना शुरू किया। उस वक्त एक छोटी कुटिया होती थी, फिर सभी समाज के लोगों ने समाज में जा जा कर पैसे इकट्ठा करके आज ये भव्य स्वरूप जो अपने प्रधान अभी अभिरक्षक है धर्मवीर जी, उनके कार्यकाल के अंदर ये भव्य कार्य हुआ। और अब जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे गोपाल जी, कुंदन लाल जी हमारे लेखानिरीक्षक हुआ करते थे, कार्यालय मंत्री का रविंद्र करदम, अब यादराम जी कार्यालय मंत्री हैं, जगदेव जी हैं बैंक से रिटायर हमारे, रमेश जी हमारे कैशियर हैं, खुशहाल जी हमारे उप प्रधान जी हैं, तेजपाल जी हमारे कंट्रोलर खाता नियंत्रक हैं। तो आप सबकी मेहनत जो आज के आप भव्य रूप देखते हैं, ये सब हमारे बड़े हैं, इनके मेहनत से आज ये भव्य स्वरूप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 84 के अंदर बूटा सिंह जी वो करते थे, तो समाज के लोगों ने उन तक वही बात पहुंचाई कि ऐतिहासिक मंदिर है ये, बाबा साहब भी यहाँ पे जुड़े पड़े, बाबू जगजीवन राम जी वगैरह सब लोग। तो इंदिरा जी ने 1984 में ये सारी जगह हमें स्कूल हॉस्पिटल के लिए आवंटित कर दी थी, कुछ कारणवश वो कार्य हमारा हो नहीं पाया, ठीक है। तो आज जब प्रधान धर्मवीर जी अपना जोगिंदर मोहन जी गोपाल कृष्ण यहाँ जो प्रधान है, तो आज उस कार्रवाई को हम लोगों ने प्रशासन तक पहुँचाया, प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमने ये संदेश दिया कि यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल हमारा पेंडिंग चल रहा है, समाज को उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्रधानमंत्री जी तक जब यह बात पहुँची तो प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर 16 फरवरी 2022 को यहाँ पर स्वयं दर्शन करने आए थे। उसके बाद फिर उस 5 फरवरी 2023 में पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी भी यहाँ पर आए थे। अभी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने काला राम मंदिर से शुरुआत की थी, उसी के स्वरूप में अपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी इसी प्रांगण से सफाई अभियान की उन्होंने देकर संदेश दिया। तो उसी का सब ये कि आज जो हम लोग देख रहे हैं उसी के हम लोग कर रहे हैं, गुरु महाराज का संदेश समाज के अंदर हम लोग दे रहे हैं कि यहाँ से जात पात पूछे न का हर को वजह सो हर को हो, ये द्वार सभी के लिए खुला है। कोरोना के अंदर यहाँ पर हमारी डिस्पेंसरी है वो भी चलती है, गुरु महाराज की कृपा ऐसे कि एक भी कोरोना पेशेंट यहाँ पर नहीं आया, समाज के सभी वर्गों के लिए द्वार खुला हुआ है। हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ से कोई निराश होकर ना जाए, सभी का सहयोग रहता है, सभी लोग सेवा देने आते हैं, यहाँ पर कोई तनख्वाह नहीं लेता, सभी की सेवा होती है, समाज के सभी वर्गों का यहाँ पर स्वागत है, हम लोग वही लेकर चलते हैं। तो जो गुरु महाराज आदेश करेंगे हम लोग वो संदेश सभी का सहयोग चाहते हैं। यहाँ पे क्या क्या सेवा कर रहे हैं, डिस्पेंसरी वगैरह भी चलते हैं? हाँ, यहाँ जो है 2013 से यहाँ पे 20 रुपये मात्र के अंदर हम लोग डिस्पेंसरी की सेवा दे रहे हैं, जिसके अंदर उसमें दवाई वगैरह कंसल्टेशन होती है, हमें डॉक्टर हैं हमारे और कंपाउंडर हैं जो थोड़ा बेसिक जो मेडिसिन होती है वो हम प्रोवाइड कर देते हैं उसके अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे जो गरीब लड़कियाँ होती हैं उनका निःशुल्क विवाह होता है, अभी 500 से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर शरफ हॉस्पिटल की मदद से हमने आँखों के ऑपरेशन करवा दिए, यहाँ पे समय समय पे कैंप भी लगते रहते हैं, साथ ही साथ कोरोना के अंदर या दूसरे जब भी होते हैं तो उसके अंदर हम लोग सेवा देते रहते हैं।
अभी जैसे 26 जनवरी का चल रहा था तो CISF के जवान यहाँ पर ठहरे हुए हैं जो मंदिर की तरफ से निःशुल्क देते हैं उनके लिए। समय समय पर सरकार बल फोर्सेज आती रहती हैं, उनके लिए निःशुल्क हम लोग सेवा देते रहते हैं। ये जो है हमारे संत गुरु रविदास जी का स्वरूप है और यहाँ जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है उसकी वो पूर्ण होती है। यहाँ जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी आए थे और उन्होंने जो है यहाँ उनकी सेवा की। और ये जो है अमृतवाणी साहिब है, ये गुरु जी के 40 शब्द और उनकी एक आरती है जो गुरु जी ने लिखा, तो ही मोही मन चंगा कठौती में गंगा, ऐसे अनेक जो है उनके शब्द रहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है अंकित है। और ये जो है ये उनके शिष्य रहे हैं मंस्तराम बंजारे बाबा। जब गुरु जी चित्तौड़ जाने के लिए जब निकले थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था, तो इनके ये मंस्तराम बाबा बंजारे बाबा उनके शिष्य रहे हैं। बाबा बिरखादास जी की ये समाधि है, ये भी उनके एक शिष्य रहे हैं। यहाँ जो है जितने भी श्रद्धालु हैं उन्होंने अपनी अलग अलग जो है मूर्तियों का जो है यहाँ दान किया है। ये गंगा मैया की मूर्ति है, ये भगवान बजरंगबली की है और भोले शंकर जी विराजमान है स्वयं। यहाँ जो है ऐसा नहीं है कि जो है कि गुरु जी को मानने वाले लोग आते हैं, यहाँ सभी धर्म के जो है लोग मानने वाले आते हैं इस मंदिर प्रांगण में। अभी फरवरी में माघ पूर्णिमा में 24 जी की जयंती, जी तो उसकी क्या तैयारी चल रही है और उसका उत्सव कैसे मनाया जाता है? देखिए ये जो है लाल किले से जो शोभा यात्रा चलती है दिल्ली में घूमते हुए, उसका जो समापन होता है वो इसी गुरु रविदास विश्रामधाम मंदिर पर होता है। उसके लिए हम जो है जितने भी शोभा यात्रा में आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं और जो झांकियां लेकर आते हैं उनको हम जो है एक गुरुजी का स्वरूप भेंट करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और भंडारे की बहुत बड़ी व्यवस्था होती है यहाँ, जो है 30 से 40 हज़ार लोगों की जो है स्ट्रेंथ होती है जो भंडारा भी जो है लेते हैं, बराबर कंटिन्यू चलता है जी। और एक महीने पहले जो है यहाँ लेडीज संगीत होता है जी, भजन कीर्तन जो है चलते हैं एक महीने पहले और बराबर भंडारे चलते हैं। उसमें जो झांकियां निकलती है जी, झांकियां क्या पूरी दिल्ली से यहाँ पे आती है या कैसे, थोड़ा सा विस्तार से बताइए कैसे झांकियां? हाँ ये जो है कैसे सेलिब्रेट किया जाता? ये जो है दिल्ली के कोने कोने से जो है झांकियां लाल किले पर जो है इकट्ठी होती है और वहाँ से जो है ये शोभा यात्रा यहाँ मंदिर पर आकर समाप्त होती है। फिर मंदिर पे उसके बाद से यहाँ पे क्या कुछ प्रवचन वगैरह? हाँ उससे पहले जो है विशाल मंच लगता है, उस पर जो है कीर्तन दरबार भी होता है, कीर्तन दरबार होता है और उसके बाद जो है झांकियों का जब शुभारंभ हो जाता है तो हम उनको जो है उनका स्वागत करते हैं जी। गुरु जी की जो जयंती है उसकी तैयारी और कैसे मनाया जाए उसके लिए कुछ संदेश देना चाहते हो क्या? सद्गुरु रविदास महाराज जी की जो जयंती हर साल माघ पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है पूरे विश्व भर के अंदर, क्योंकि समाज के हिंदुस्तान से बाहर भी लोग हैं तो पूरे महीने हमारा कार्यक्रम चलता है। दिल्ली के अंदर जो मुख्य कार्यक्रम है श्री गुरु रविदास विश्रामधाम मंदिर पर सेलिब्रेट किया जाता है, दिल्ली के साथ साथ आसपास के राज्यों के लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने हेतु। साथ ही साथ उसी दिन उससे पहले जो रविवार पड़ता है, जैसा अभी शनिवार पड़ रहा है तो उससे पहले जो रविवार होता है उस दिन हम लोग एक यहाँ पे भव्य प्रभात फेरी का आयोजन करते हैं। प्रभात फेरी जो सुबह निकलता है गुरु महाराज के संदेशों का, हम समाज के अंदर इसी क्षेत्र के अंदर एक झांकी निकालते हैं तो उसमें लोगों को संदेश दिया जाता है गुरु महाराज का, जो जो जीवन पर चलने का वो संदेश हम लोगों में देते हैं। उसके बाद भंडारा होता है यहाँ पर, उसके बाद जो शनिवार को जो माघ पूर्णिमा के दिन हम लोग लाल किले से झांकी चल कर यहाँ पर समापन होता है उनका, तो उसके लिए सुबह से यहाँ पर तैयारी होती है जिसके अंदर राजनीतिक सामाजिक और समाज के अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर सुबह से ही आना शुरू कर देते हैं तो उनके स्वागत वगैरह, भक्त लोग जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए प्रसाद वितरण वगैरह व्यवस्था सब लोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। सभी हम लोग टीम बना लेते हैं, हम जो भी बड़ों का मार्गदर्शन हो जाता है और जो साथ सहयोगी हैं हमारे वो सब लोग भंडारे सेवा में लग जाते हैं, ये लोग हमें मार्गदर्शन की ये काम होना चाहिए। भाग दौड़ के लिए हम लोग जो युवा लोग हैं हम लोग भाग दौड़ करते हैं, उसके अंदर
जो फॉर्मेलिटीज़ होती है सर, पुलिस के तरफ हो गया, सामान लाना, साज सजावट का, वो लोग हम लोग करते हैं। बड़ों का मार्गदर्शन रहते हैं, हम जो भी बेहतर कर सकते हैं जिससे एक अच्छा संदेश समाज के अंदर जाए, तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। उस दिन शाम को 4 बजे से यहाँ पर एक गुरु महाराज का सत्संग आयोजन किया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर 6 बजे से हमारा भंडारा शुरू हो जाता है। भंडारे के बाद श्रद्धालुओं का तांता जो रात को लगभग 1 बजे तक चलता है। उसके अंदर 10,000 से 20,000 के करीब यहाँ पर लोग आते हैं, पूरी दिल्ली से, आसपास के राज्यों से भी आते हैं, बहुत से लोग बाहर से भी आते हैं। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन होता है, तो उसके लिए सभी का सहयोग रहता है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ हमारे समाज का, सभी समाज का बराबर सहयोग रहता है। जैसे अभी हमारे जगदेव जी हमारे ट्रस्टी हैं, तो उन्होंने 2100 रुपये की सेवा दी अभी हमें, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं। ऐसी और भी बहुत से लोग हैं जो समय समय पर सेवा देते रहते हैं जयंती के लिए, ठीक है, तो उन सबका स्वागत है। उनको बदले दान रसीद देते हैं, हमारा बैंक अकाउंट है उसमें भी लोग दान देते रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी के सहयोग से एक भव्य हम कार्यक्रम उस दिन आयोजित करते हैं। उसके बाद क्या बहुत दिल्ली के कुछ क्षेत्रों के अंदर जयंती के बाद भी कार्यक्रम बताया कि पूरे महीने चलते हैं। फरवरी में पूरा महीना ये सेलिब्रेट होता है, दिल्ली से बाहर और बाहर विदेशों के अंदर भी, कनाडा जाएंगे, यूरोप वगैरह अगर वहाँ जाएंगे, रशिया वगैरह में, तो पूरे महीने ये कार्यक्रम हमारे लोग चलते रहते हैं पूरे विश्व के अंदर, जिससे कि गुरु महाराज का संदेश पूरे विश्व के अंदर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।